हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आज की इस वीडियो में यार आपको हम बताने वाले हैं ऐसे बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार जो कि आपको 10,000 से लेकर के लगभग आपको 20-25 या 30,000 तक के बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार बताने वाले हैं। ये एक ऐसे साउंड बार होंगे जो मैंने खुद टेस्ट किए हुए हैं और आपको उसके बारे में ऐसा रिव्यू देने वाले हैं ना जो पूरे YouTube में आपको कोई और नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये है यार, क्योंकि देखो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आपको 10,000 देकर के 30,000 रुपए में बहुत सारे ब्रांड्स दे रहे हैं, लेकिन क्या उन सबकी साउंड अच्छी है? क्योंकि अब अगर आप एक बार खरीद लोगे तो भाई साहब, अगर उसकी साउंड खराब हो तो क्या जिंदगी भर उसको 10 साल तक ऐसे यूज करते रहोगे? तो चिंता मत करो यार, ऐसा आपकी गलती नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो को जब शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कौन सा होने वाला है। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू कर, जैसे पहले आपको बता देते हैं जितने भी बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है ना, उन सबकी जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के खरीद सकते हो। और ध्यान रखिए, कोई एक एफिलिएट लिंक है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार मेरी दियो हीलिंग से खरीदिए, क्योंकि अगर मेरी दियो हीलिंग खरीदते हो तो आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते और हमको कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से। उस पैसे को इकट्ठा करके हम ऐसे साउंड बार ला पाते हैं, अनबॉक्स कर पाते हैं और उसके बारे में आपको एक बढ़िया सच बता पाते हैं 0 to 100% तक। इसलिए यार प्लीज बाय फॉर नाउ माय लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले सभी बताया करना चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें द वीडियो। हाँ तो गाइस, हमारे लिस्ट में जो आपको सबसे पहला डॉल्बी एटमॉस साउंड मिल जाएगा जो कि 10,000 रुपए का शुरू ही होता है, वो है जबरोनिक्स जोक बार 1000। बात करें तो ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, खैर रखा भी मेरे सामने वही साउंड बार ही है, ये 10,000 रुपीज का आपको साउंड बार मिल जाता है। हाँ जी भाई साहब, ये 100% आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड बार मिलता है। कनेक्टिविटी की बात किया तो यार देखो, इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 HDMI EARC पोर्ट के साथ साथ आपको ऑप्टिकल और साथ साथ में आपको इसमें पेन ड्राइव के थ्रू और उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। लुक वाइज भी काफी अच्छा साउंड बार है। बाकी बात किया तो टोटल 150 वाट का टोटल RMS आउटपुट मिल जाता है। 10,000 रुपीज का कुछ कार्ड्स ऑफर लगाते तो मे भी आपको और ज्यादा जो है कंपैरिजन मिल जाए। अब आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। देखो ये एक वर्चुअल सराउंड साउंड आपको प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस लिखा है उसके बावजूद ये वर्चुअल सराउंड साउंड 2.1 साउंड बार, उसके बावजूद यार वाकई में आपको जो रियलिस्टिक साउंड आती है वर्चुअल सराउंड साउंड की, एक नेक्स्ट लेवल की साउंड बार है। आप 10,000 रुपए जब इसमें खर्चा करोगे अगले 10 साल तक आप इस साउंड बार में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार, क्योंकि यार एक भी जगह मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता कि साउंड जानबूझ के इसमें आर्टिफिशियल बेस डाल दिया हो, क्योंकि 10,000 रुपए के चक्कर में कुछ ना कुछ कमी कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एक वायर्ड आपको जो है सब बूफर के साथ मिल जाता है, वायरलेस नहीं, ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस है तो कहीं ना कहीं यार उनको प्राइस तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी हमारे लिस्ट में इसलिए हमने इसको चुना हुआ है, बहुत अच्छा साउंड बार, इसको खरीदना चाहते हैं इसकी जो लिंक है ना बेस्ट बैंक लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, हमारे लिस्ट में जो आपको और थोड़ा सा प्राइसिंग अपर करोगे ना तो लगभग 13,000 रुपीज अगर आप लगाओगे तो आपको 200 वाट का डॉल्बी एटमॉस साउंड बार मिल जाएगा, जो कि आपको बोट कंपनी तरफ से मिल जाएगा, बोट 4000DA डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। पास किया इस वाले साउंड बार की तो बोट एवेंटेज जो बार 4000DA आपको मिलने वाला है ना, ये आपको 13,000 रुपीज में 200 वॉट का आपको साउंड बार देता सिस्टम, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 HDMI ARC पोर्ट आपको साथ मिल जाता है, बाकी वही सारी कनेक्टिविटी आपको ऑप्टिकल पेन ड्राइव ऑक्स ये सारी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। बाकी अगर साउंड क्वालिटी की बात आती है, देखो यार HDMI आर्क है, उसके बावजूद ऐसा नहीं कि इसमें डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग नहीं है, डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग आपको इसमें मिलती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात 2.1 चैनल के साथ आता है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है आपको वर्चुअल सराउंड साउंड आपको इसमें मिलने वाली है, जो कि साउंड वाकई में क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है। बस इसमें ये बोलना चाहूंगा जो बेस है थोड़ी सी मुझे ज्यादा अपर साइड लगती है, अपर बेस थोड़ी सी, तो उसको आप जो बेस है ना अपने रिमोट से उस बेस को आप -2 तक सुन सकते हो या 0 तक सुनिए तो ज्यादा अच्छा आपको फील आएगा, लेकिन उसके बावजूद सराउंड साउंड है जो क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आपको इसमें मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के मिलने वाले हैं। मुझे फील ही नहीं हो रहा था एक समय में कि यार ये 13,000 रुपीज में आपको डॉल्बी एटमॉस नहीं दे रहा, वाकई में ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार दे रहा आपको बोट एवेंटी बार 4000DA जो कि नेक्स्ट लेवल का है। खरीदना चाहते हो इस वाले साउंड बार को, इसकी भी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर इस वाले साउंड बार को खरीद सकते हो, क्योंकि बोट कंपनी की तरफ से है। हाँ तो गाइस, अब हमारी लिस्ट में जो अगला साउंड बार आपको बताने वाले हैं, ये आपको सराउंड साउंड जो है ना वो रियल में आपको देने वाला है, 5.1.2 चैनल के साथ मिल जाएगा, जबरोनिक्स जूक बार 9750 प्रो। बात किया जाए ये खासकर उनके लिए जिनका हॉल कम से कम मिनिमम 250 स्क्वायर फीट का है, उनके लिए साउंड बार खास कर है, वहां पे आपको जो वाकई में 9750 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार मिलने वाली है, आपको जो सराउंड साउंड मिलने वाली है आपको नेक्स्ट चैनल के लिए, साथ साथ में आपको इसमें देखो 5.1.2 चैनल का मतलब ये है आपको इसमें एक सब बूफर मिलने वाला है, ठीक है, सब बूफर के साथ साथ आपको इसमें 225 वाट का साउंड बार मिलने वाला है और 150 वाट के सैटेलाइट स्पीकर मिलने वाले हैं, जो कि आपके पीछे साइड लगेंगे, जो कि वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर है। हाँ जी भाई साहब, वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर है जो किराए आपके पीछे साइड लग जाएंगे, सामने साउंड बार लग जाएगा, टीवी
नीचे और सब बूफर जमीन पे आप इसको रख दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का इसमें सेटअप आएगा। टोटल 525 वॉट का है, तो आपका हॉल अगर आराम से 500 स्क्वायर फीट का भी है ना, जो कि काफी बड़े हॉल होते हैं, 600 स्क्वायर फीट का भी हॉल है, वहाँ बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हो। मिनिमम 250 स्क्वायर फीट का हॉल होना चाहिए, उससे छोटा हॉल होगा ना तो आपको सराउंड साउंड की फील नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, HDMI आर्कपोर्ट, साथ साथ में ऑप्टिकल केबल और पेन ड्राइव और सब कुछ मिला है कनेक्टिविटी। साउंड की बात की है तो यार ये देखिए खासकर फुल मूवी मोड के लिए बनाया गया 5.1.2 चैनल है, क्योंकि आपको साउंड बार जो इसका दिया गया उसमें आपको 5 ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 2 सैटेलाइट स्पीकर पर ड्राइवर्स मिल जाते हैं और जो आपको एक सबवूफर मिल जाता है। तो ये सब मिलकर के जो आपको सराउंड साउंड वहां पे दे रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की है। खासकर अगर आप डॉल्बी एटमॉस की मूवी देखो, जैसे कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम में कोई भी डॉल्बी एटमॉस की अगर आप मूवी देखते हो, वहां पे आपको इसमें जो देखिए, एक तो पहले तो डॉल्बी एटमॉस की मूवी देखने के लिए आपको जो रिचार्ज है वो भी थोड़ा सा 600 या 700 वाला करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स में, अमेज़न प्राइम में तो आपको 1000-1200 में मिल जाएगा, खैर ध्यान रखिएगा। तो ये मत कहिएगा डॉल्बी एटमॉस की जो है डिकोडिंग नहीं मिलेगी, डिकोडिंग तभी मिलेगी जब आपका प्रीमियम वाला रिचार्ज होगा। लेकिन उसके बावजूद डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग ये आपको सराउंड साउंड जो देता है डॉल्बी एटमॉस से, जो डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग ऑटोमेटिक आपको उसके अंदर मिल जाएगी 5.1.2 चैनल के साथ साथ, जो रियल में आपको मूवी वाला जो फील चाहिए लोअर बेस के साथ, वो आवाज़ वो फील वो लोअर बेस आपको इसी में मिल पाएगा, जिसकी प्राइसिंग लगभग प्रेजेंट टाइम में 19,000 रुपीज़ और मेरे ख्याल से अंडर 20,000 रुपीज़ में सबसे बेस्ट साउंड बार है। इसकी प्राइसिंग हमेशा 24,000-23,000 चलती है, करंट टाइम में इसकी डिस्काउंटेड प्राइसिंग है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इस वाले साउंड बार की, जबरानी जो 9750 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ तो गाइस क्या हो गया यार, अच्छा मैं समझ गया, आप सोच रहे हो यार मेरा हॉल तो 250 स्क्वायर फीट का है नहीं, तो मैं डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कैसे लूँ, मुझे साउंड बार की जो क्लियरिटी वो भी ज़्यादा चाहिए और मेरा जो हॉल है काफ़ी बड़ा नहीं है। तो चिंता मत करो यार, आप डॉल्बी एटमॉस 2.1 ले लो, वो भी जेबल कंपनी का। हाँ जी भाई साहब, जेबल कंपनी का। आप सोचोगे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी, ना, खाली 20,000 रुपये प्राइसिंग, 20,000 रुपीज प्राइसिंग है JBL सिनेमा SB190, जो कि डॉल्बी एटमॉस 2.1 साउंड बार मिल जाता है आपको, एक सब वूफर और एक वायरलेस आपको सब वूफर मिलता है, साथ साथ में एक साउंड बार उसके साथ आपको मिलता है, जो कि टोटल आउटपुट आपको 380 वॉट का दे देगा। और जहां तक मैं बता दूं आपको, 500 स्क्वायर फीट का भी अगर आपको हॉल होगा ना, वहां भी बहुत आराम से यूज कर सकते हो अब इसको। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसमें आपको HDMI EARC पोर्ट मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको और सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है, आर्क पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, पेन ड्राइव के थ्रू, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाता है, आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाकी अगर बात की जाए इस वाले साउंड बार की, यार ये जो साउंड बार आपको मिलता है ना, वाकई में 2.1 के हिसाब से जो आपको वर्चुअल सराउंड साउंड आपको देता है वो नेक्स्ट लेवल ही देता है। इस प्राइसिंग में वर्चुअल सराउंड साउंड कोई भी अदर स्पीकर आपको नहीं दे पाएगा, यहां तक कि एक बोट का आता है वो इसके आसपास, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन यार ये जो JBL का आप लेकर के आओगे, JBL के जो सिग्नेचर साउंड है वो आपको इसमें मिल जाती है। एक वोकल्स क्लियरिटी के लिए इसमें अलग से सॉफ्ट जो है एक प्रोसेसर लगाया गया जो आपको वोकल क्लियर देता है। वोकल्स क्लियर के साथ साथ में आपको इसमें जो वर्चुअल सराउंड साउंड जो आपको मूवीज वाला फील आएगा आपको इसमें, वो नेक्स्ट लेवल का फील आएगा, क्योंकि आपको HDMI EARC पोर्ट मिल रहा है, जिसके थ्रू आपको जो सराउंड साउंड आता है वो जब आप देखते हो ना, एक एक डायलॉग, एक एक क्लियरिटी, साथ साथ में जो साउंड जो 360 घूमती है आपके रूम में वो बहुत अच्छी तरीके से होती है यार, इसमें मजा ही जाएगा आपको। इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, JBL सिनेमा SB190 की डॉल्बी एटमॉस साउंड बार 2.1। और ये उनके लिए चिंता नहीं करने की जरूरत है जिनको, यार आपका अगर हॉल बड़ा नहीं है, बड़ा हॉल है तब भी लगा सकते हो, छोटा हॉल है 250 स्क्वायर फीट से छोटा होना तब भी लगा सकते हो, लिंक इसी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ तो गाइस, अब हमारी लिस्ट में एक और जो साउंड बार आपको बताने वाले हैं उसकी प्राइसिंग आपको लगभग 20,000-21,000 रुपीज मिल जाएगी, जिसका नाम है बोट एवेंटे बार 4100 DA, ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार 3.1.2 चैनल के साथ। मतलब देखो, एक सब वूफर एक साउंड बार सिस्टम आपको मिल जाता है इसमें, सराउंड साउंड फील इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। बस इसमें एक ही चीज़ मुझे कभी लगती है, इसकी जो अपर बेस है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है कहीं ना कहीं JBL के मुकाबले। अगर बोलोगे आप इसको तो JBL जो SB190 है उसके बारे में, तो मैं JBL की ओर जाना चाहूँगा। हालांकि अगर आप इसको ले जाते हो, इसको भी ले सकते हो, खासकर उनके लिए इनको पार्टीज में म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा सुनना है और डॉल्बी एटमॉस का साउंड बार भी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वोकल्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ साथ में आपको इसमें सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन है, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट 5.3 मिल जाता है, HDMI आर्क पोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल ऑक्स पेन ड्राइव, सभी सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको मिल जाती है। साथ साथ में HDMI इन और आउट दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आपके टीवी में लगा दीजिए, आपको अलग से जो है सेटअप बॉक्स कुछ लगाना तो आप जो है साउंड बार में ही लगा सकते हो, आपको अलग से दूसरा HDMI वहाँ पे कैप नहीं होगा। ये सब चीज़ें के साथ साथ बहुत अच्छा साउंड बार है, 20,000-21,000 इसकी करंट टाइम में प्राइसिंग हमेशा चलती रहती है, लिंक इसके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप इसको खरीद सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होती है,
अगर आप बोलोगे कि मैंने बोला था कि अंडर 30,000 रुपीज में साउंड बार आपको बता लेना डॉल्बी एटमॉस, देखो अंडर 30,000 में अगर आप बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 40,000 तक थोड़ा जाना पड़ेगा, वहाँ पे सोनी आपको मिल जाएगा, सोनी का साउंड बार 38,000 रुपीज का, सोनी एचटी। ये जो साउंड बार आपको दिख रहा है ना, ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है सोनी कंपनी की तरफ से, जो कि वाकई में बहुत अच्छा साउंड बार है अगर आप इसको लेना चाहते हो। टोटल आउटपुट आपको इसमें 500 वॉट का टोटल आउटपुट मिल जाएगा 38,000 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि ये सोनी का पहला साउंड बार है जो कि स्टार्टिंग प्राइस रेंज है इसकी जो है, मैंने 30,000 बोला था लेकिन थोड़ा सा 8,000 रुपीज के बढ़ जा रहा है प्राइसिंग, ये कहीं ना कहीं लिमिट तो क्रॉस हो रही है काफी ज्यादा, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो अंडर 20,000 में लेना तो ये सारे साउंड जो पीछे बताए वो ले सकते हो, नहीं तो सोनी का ये साउंड बार ले सकते हो। और ये बहुत बेहतरीन साउंड बार है, आपको वाकई में एक रियल 2.1 जैसा साउंड बार चाहिए डॉल्बी एटमॉस वर्चुअल सराउंड साउंड, तो आप सोनी का ये वाला साउंड बार ले सकते हो। बाकी अगर आपको मन नहीं है तो आप JBL, बोट, चेपरोनिस, इतने सारे और ब्रांड है वो सारे उसमें से कोई भी ले सकते हो। और बाकी जितने भी आपको साउंड बार बताए ना उन सबकी जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप खरीद सकते हो। और जितने भी साउंड बार मैंने आपको बताया है उसमें आलतू फालतू साउंड बार मैंने हटा दिए, क्योंकि बहुत सारे हैं यार, मतलब अगर आप सर्च भी करोगे ना 10,000 to 20,000 भी सर्च करते हो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के साउंड बार मिल जाएंगे, उनके इतने सारे मॉडल्स हैं साउंड बार विद डॉल्बी एटमॉस, लेकिन सबको बताना सही नहीं है यार, क्योंकि सबकी साउंड उस लेवल की नहीं जिस लेवल की साउंड के लिए आप पैसा खर्च करो। मैं नहीं चाहता कि आपके सिंगल रुपए भी बर्बाद हो। साथ साथ में सभी साउंड बार की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और एक ही रिक्वेस्ट है यार आपसे, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, इसीलिए यार आप प्लीज मेरी दी हुई लिंक से ही खरीदिएगा अपने स्पीकर को, और आपको क्योंकि एक रुपए भी एक्स्ट्रा देना नहीं होगा उसके साथ साथ में, और मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिलेगा, उस पैसे को इकट्ठा करके आप ऐसे साउंड बार लाएंगे, आपको हर समय एक बेस्ट रिव्यू दे पाएंगे, इसीलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। साथ साथ में यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।